सिरसा रोडवेज में दो महिलाओं को परिचालक के पद पर नियुक्त किया गया। हालांकि इन्हें टेम्परेरी बेस पर ज्वाइनिंग दी गई, लेकिन रोडवेज में परिचालक बनना अपने आप में इन महिलाओं के लिए बड़ा काम है। गौरतलब है कि रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सरकार आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत चालक और परिचालक भर्ती कर रही है। परिचालक की ड्यूटी ज्वाइन करने वाली शेफाली को कल ही सिरसा रोडवेज में परिचालक के पद पर नियुक्ति मिली है। शेफाली का कहना है कि वो आईएएस बनना चाहती है, पढ़ाई के लिए आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए फॉर्म भरे थे और बहुत खुश है कि उसे नौकरी मिल गई है। टिकट काटने का अनुभव उसे कम है, लेकिन बसों में कई बार यात्रा की है और आत्मविश्वास है कि जल्द ही अपने कार्य को वो निपुणता से करेगी। हाँ जी, मैं स्टडी मेरी कंटिन्यू है, अब मैं एमए कर रही हूँ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन से। जो मेरा एम है वो आईएएस ऑफिसर बनने का है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। हाँ ऑफ कोर्स होगा, मैं मेहनत करूँगी, खुद पे कॉन्फिडेंस है मुझे। सबसे पहले चाहती हूँ कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूँ, देश के लिए, अपने देश के लिए कुछ करूँ, तो आई कैन डू। रूट अभी कल मेरा फर्स्ट रूट, कल मेरी ज्वाइनिंग हुई है यहाँ पे और फर्स्ट रूट मेरा स्टार्ट हुआ है। तो कल एक ही रूट था, आज मैं मॉर्निंग में ले आई हूँ। कागदाना से है मेरा रूट और कागदाना मेरा गांव भी है, और आज अब सेकंड रूट लगने लगेगा, अभी स्टार्ट होने वाला। हाँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी, अगर मैं अपना 100% देना चाहूँगी तो मैं दे भी सकती हूँ और मैं दूँगी। और चुनौतियाँ हर एक चीज़ में आती हैं, तो मैं उसका मतलब उससे भागूंगी नहीं, उसको फेस करना पसंद करूंगी। वहीं सिरसा रोडवेज के जीएम ने बताया कि सिरसा में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत दो महिलाओं को परिचालक के पद पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें सिरसा के लोकल रूट पर नियुक्त किया गया है। इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी है, साथ ही इनको कहा गया है कि अगर आपको रूट पर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो वो हमें फोन करें, हम समस्या को दूर करेंगे। जैसे हरियाणा सरकार का बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी के अंतर्गत हमारे पास भी दो महिलाओं ने अप्लाई किया, तो उसी प्रोग्राम के मदद रखते हुए हमने दो महिलाओं को अपॉइंटमेंट दी है। वो डेली वेज रहेंगे, कंट्रेक्चुअल रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, आउटसोर्सिंग पॉलिसी फर्स्ट के तहत। तो इस प्रकार से दो महिलाएं मैदान में आई हैं, जबकि रोडवेज की ड्यूटी दिन रात की ड्यूटी होती है, बड़ी रफ एंड टफ होती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। तो उसमें जो महिलाएँ आई हैं, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से सभी महिलाओं को आगे आकर हर एक फील्ड में, हर एक डिपार्टमेंट में सर्विस के लिए आगे आना चाहिए। उनको परिचालक की ट्रेनिंग दी गई है। हमारे परिचालक की ट्रेनिंग में सिस्टम होता है, जो नंबरिंग होती है, उनकी पंचिंग होती है, फिर जाते टाइम आप इन पंचों में जाएंगे, इतना फेयर होगा, स्टेज दिखाई जाती है, वापसी में आप इन पंचों से आएंगे। वो एक घंटे की ट्रेनिंग होती है, उनको ट्रेनिंग दे दी गई है और वो समझ भी गए हैं। मैंने सुबह भी उनको देखा था, फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है उनके पास, रास्ते में कोई दिक्कत आती है तो मेरे से कॉन्टैक्ट करेंगे। जितने डिस्टेंस में होंगे मैं अर्ली से अर्ली आपके पास पहुंचूंगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके अंदर हमने कॉन्फिडेंस लेवल इतना देखा है कि सर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इसमें सक्षम हैं। तो इससे बड़ी खुशी होती है हमें कि महिलाएँ भी हमारे डिपार्टमेंट में आ रही हैं। प्रथम तालिका के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।